तो हाय गाइस, तो बात करने वाले आज की इस वाली वीडियो में रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन के लिए। तो इसके कुछ रूमर एंड लीक्स के अकॉर्डिंग इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक्स हुए हैं, तो जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि यह वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको इस स्मार्टफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। और अगर आप स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो आप हमारी छोटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहे और आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट मिलती रहे। तो हमारे इस छोटी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर योर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। तो है गाइस, तो बात की जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो आपको 6.43 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और 90 हेक्टेज रिफ्रेश साथ देखने को मिल जाएगी, और 240 हेक्टेज का टच सैम्पलिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको डिस्प्ले वाइज में इतनी देखने को मिलेगी, रूमर लीक्स के अकॉर्डिंग इतनी लीक्स निकल के आई थी डिस्प्ले वाइज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कैमराज की। जिसमें आपको कैमरा देखने को मिलेगी 64 मेगापिक्सल की क्वाड रियर सेटअप देखने को मिल जाएगी, जो कि आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, और कैमरा में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और बात की जाए इसके सेल्फी की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। और बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम 7 का 760HG प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हमें रियलमी 8 प्रो में कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। उसमें जो है सारी मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर यूज़ किया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको जो है रियलमी 9 प्रो में क्वालकॉम 7 का 768 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके बिल्ड और डिज़ाइन में, तो बिल्ड और डिज़ाइन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन में। बिल्ड और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगा। और बात की जाए इसके रैम और रोम एंड प्राइस की, जिसमें आपको 6+128GB वाले वेरियंट देखने को मिल जाएगी, 8+128 वाली देखने को मिल जाएगी, और 8+256GB वाली वेरियंट देखने को मिल जाएगी। और 6+128GB की जो प्राइस है निकल के आई है, वो 18,000 के प्राइस देखने को मिल जाएगी, 2-3 हज़ार के अप्रोक्स आपको 8+128 और 8+256 वाली देखने को मिल जाएगी। तो बात की जाए इसके लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको मिड सेप्टेम्बर में देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आपको 10 सेप्टेम्बर या 12 सेप्टेम्बर को देखने को यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, और जो है कुछ ही दिनों में आपको एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसकी ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 6 और USB टाइप सी केबल सपोर्ट, 5000 mAh बैटरी, LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आपको LPDDR4X रैम रियलमी 8 प्रो के स्मार्टफोन देखने को मिला था। तो इसमें जो है आपको LPDDR5X रैम देखने को मिल जाएगी, और UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप, UAT OTG सपोर्ट, स्टेडियो स्पीकर, NFC नोटिफिकेशन लाइट, और सिम कार्ड स्लॉट की बात की जाए इसमें आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगी। Wi-Fi 11 का भी सपोर्ट है, जिसमें आप हाई क्वालिटी पे जो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम वीडियो ढेर सारे वॉच कर पाओगे, तो जैसा कि आपको इसमें Wi-Fi 11 भी देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक और जायरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी है। जो कनेक्टिविटी एंड सेंसर में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, और इसमें प्राइस ठीक ठाक होगी। तो अगर आप इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो तो हमें जरूर से आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हम आपके फ्यूचर स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते हो। तो आप हमारी छोटी यूट्यूब को सबसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ना भूलें। सो या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट।